यहाँ? पापा कहाँ धूप में घूम रहे हो आप? और ये क्या है, दिखाइए। मिलते ही इंटरोगेशन शुरू। हाँ, मैं अपने यहाँ दोस्त से मिलने गया था। तुम बताओ, तुम होटल क्यों नहीं गई? मतलब तुम ये बक्सा लेकर क्या कर रही हो? बक्से में क्या है? आप फ्री हो? मतलब सेलिब्रेट करते हैं। किस बात का सेलिब्रेशन? मेरी फ्रीडम का सेलिब्रेशन। मैं कुछ समझा नहीं। पापा, मैंने जॉब छोड़ दी है। क्यों बैठे? तुमने जॉब क्यों छोड़ी? एक मिस्टर जयदेव शर्मा से सीखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और फैमिली वैल्यूज से बढ़कर और कुछ नहीं होता। जब मुझे लगा कि ये दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज होने लगी है, बस मैंने कॉम्प्रोमाइज को लात मार दी। शाबाश, आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन मेरी जॉब छोड़ना इस तरह? पापा, वो कब पे खाता है? नहीं, रास्ते का खाना मैं। अरे चलो ना यार, चलो आओ। भैया, दो प्लेट गोलगप्पे। आज रात तनु दी और दीपू दी को भी बोल दिया है कि तीनों बहनें साथ में शॉपिंग करने जाएंगी। बहुत मजा आएगा। मेरा ऐसे ही खुश रहे बेटा, और लड़ अपनी लड़ाई। मैं अपनी दिक्कतें इस वक्त शेयर नहीं कर सकता। तेरी अपनी लाइफ में इतना सब हो रहा है। चाय बहुत बढ़िया बनाई है। आपको खबर पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, चाणक्यपुरी में एक वृद्ध जोड़ी की मौत। हफ्तों तक किसी को पता नहीं चला। पड़ोसियों ने घर से बदबू आने पर पुलिस को सूचित किया। कुसुम, कोई अच्छी खबर भी तो छपी होगी, वो भी तो पढ़ के सुना सकती हो। दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा जी घबरा रहा है। अब तो आकाश को अपने ससुराल जाने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मुझे आपके और भाई साहब की बहुत चिंता हो रही है दीदी। उसके जाने के बाद आप दोनों अकेले पड़ जाएंगे ना दीदी? रात को कमरे का दरवाजा खुला रखना। हाँ, आकाश आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पल्लवी ने जॉब छोड़ दी है। जॉब क्यों छोड़ दी उसने? पता नहीं पापा, कुछ सोचा होगा उसने। सही लगा होगा उसे। क्या सही लगा होगा? वैसे हर कोई दीदी जैसा थोड़ी होता है। नौकरी और घर इतना अच्छे से संभाला, बैलेंस किया, बच्चे भी पाल लिए, कभी नौकरी छोड़ने की नौबत नहीं आई। इन्हें कौन से बच्चे पालने हैं? वहां जाकर हंगामा किया ना, इस कारण जॉब से निकाल दिया। तुमने इतने साल काम किया, किसी के काम की जगह जाकर वहाँ घर के बर्तन भांडे खड़काओगे? ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना भी कुछ नहीं किया था मैंने। पर भाई साहब, मुश्किल होती है। अब मोहल्ले में नाक कटी हो और आप जाके बहू को कुछ बोले भी ना, ऐसे कैसे? माँ है, आकाश को जन्म दिया है, फिर भी अपने मुंह पे ताला लगाए। चाची सीरियसली, माँ कम ऑन, एक जॉब है, कोई सैलरी देता है, हमें उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ना हमसे। और वो भी सर्विस इंडस्ट्री है, लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, पैसे देते हैं एक्सपीरियंस के। उनके सामने ऐसा तमाशा होगा तो वो रुकेंगे होटल में क्या? दोबारा आएंगे फिर से? अच्छा, ये कॉर्पोरेट कल्चर है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। सब कुछ बदल चुका है, आपके टाइम से आज तक चीजें बहुत बदल चुकी है। कॉम्पिटिशन देखो कितना हो गया है, काम पे कितना प्रेशर होता है। मैं खुद उस होटल में काम करता हूँ, मुझे पता है कितना प्रेशर होता है। अरे प्रेशर तो होता ही है, तो नौकरी छोड़ दे। मैं देखता हूँ पापा। नमस्ते मैम। जी उमेश, तुम यहाँ क्या हुआ? बॉस ने ये लेटर भेजा आपके लिए, आप यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू।
क्या हुआ आकाश? क्या लिखा है चिट्ठी में? कुछ नहीं चाची। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अवस्थी परिवार से। नहीं करनी यार ऐसी जॉब। सच बताओ तो इतना लाइट फील कर रही हूँ ना कि आई कांट टेल। बॉस ने ये लेटर भेजा है। आकाश तो होटल जा रहा है ना, मुझे प्लीज बैंक छोड़ देना रास्ते में। क्या हुआ आकाश? परेशान लग रहा है। ऑफिस में कुछ हुआ है? ट्रैक रिकॉर्ड पे इंक्वायरी बिठा रहे हैं। आप दोनों जाओ, मैं चल के आऊंगी। पैदल इतनी धूप में चलना कैब में? बहुत खा लिया यार, थोड़ा डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा। श्योर? यस यस पक्का। ओके श्योर। बाय बाय। ख्याल रखना। ध्यान रखना। हाँ बाय। अपर्णा जी चाय प्लीज। जयदेव जी, ये चाय पीने पिलाने की फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आई हूं मैं यहाँ। चाय बिस्किट से सीरियस बात है मेरे पास करने के लिए। जी कहिए। जयदेव जी, जो ये 15-15 दिन का अग्रीमेंट है, मैं उसे तोड़ रही हूं। मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी, बल्कि मैं अगेंस्ट हूं इस पूरे ड्रामे के। पल्लवी ने जॉब छोड़ दी, आकाश पर इंक्वायरी बैठ गई। शॉर्ट में कहूं तो दोनों का करियर इस वक्त डामाडोल। उन दोनों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, ना कि ये फालतू के 15 दिन इधर संभाल, 15 दिन उधर। आकाश पे इंक्वायरी, ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट जयदेव जी। ये हुआ है ये काफी। आप हमेशा कहते हैं कि आपके लिए आपकी बेटी की खुशियों से ऊपर कुछ भी नहीं, तो उसे अपनी घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, पर आप वो होने ही नहीं दे रहे। पल्लवी, कहां ड्रॉप करूं आपको? जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां ड्रॉप करूं आपको? अब आपकी नौकरी तो रही नहीं। आइए, ऑटो के पैसे बच जाएंगे। आकाश के ऊपर तो हमने इंक्वायरी बिठा दी, जब तक इंक्वायरी चलेगी उसकी सैलरी भी फ्रीज पे रहेगी, अभी थोड़ी सेविंग हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, आकाश के खिलाफ किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? जरा सोच कर देखिए क्या किया है आपने। अपनी बेटी के रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर तो आप हैं। क्या प्रॉब्लम है जयदेव जी आपको? कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई लाचारी? भगवान की कृपा से हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं, और बजाय भगवान का शुक्रिया अदा करने के कि इस उम्र में भी आप फिट हैं, आपकी बेटी को बेकार की फिक्र लगी हुई है आपकी। ये कोई बात है कि मेरा बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आकर अपनी ससुर की सेवा करे? वो तो बच्चे हैं, पर आप तो बच्चे नहीं है ना जयदेव जी। आप तो रोक सकते हैं उनको, पर आप रोक ही नहीं रहे। पूरी की पूरी प्रथा उल्टी करने पर आमादा है। आपकी बेटी की जिद में आपकी बेटी का घर तोड़ने पर तुले हुए हैं। जयदेव जी, आपको किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि ये पूरी की पूरी बात इम्प्रैक्टिकल है? आपकी लाइफ का भी तो कोई तजुर्बा होगा ना, लेकिन ये कहीं से भी सुलझे दिमाग वाले बाप के गुण नहीं है। आप सेल्फिश हो गए हैं। हो सकता है ये बात आपसे पहले भी किसी ने कही, आई डोंट नो, पर मुझे लगता है कि अगर आज पल्लवी की माँ होती तो 100% ये नहीं होता। पल्लवी के संस्कार अलग ही होते। ये आपका फेलियर है जयदेव जी। अन्ना जी,
आप जो कह रही हो ठीक है, लेकिन आपकी सोच गलत है और मैं यहाँ आपकी सोच को ठीक करने का बीड़ा नहीं ले सकता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, अपने ससुराल में खुश रहे, अपने सास ससुर के साथ अपने पति पे फोकस करे। पर मेरे परवरिश पर सवाल उठाने का हक ना आपका है ना किसी और का। आप माँ है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं माँ और बाप दोनों, मेरा दर्द कोई नहीं समझेगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आकाश और पल्लवी बेशक यहां आए, लेकिन यहां रुकेंगे नहीं और ना ही दोबारा ये 15-15 दिन वाली बात उठेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आई होप आप अपना वादा निभाएंगे और ये बात पल्लवी को नहीं बताएंगे। आपके मन में चाहे मैं जैसा भी पिता हूं, लेकिन मेरे मन में मैं अपनी बेटियों की भलाई के लिए ही सोचता हूं, बस और कुछ नहीं। ये आंगन पल्लवी का नहीं है। पल्लवी का आंगन उसका ससुराल है, सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ। पल्लवी आएंगे लेकिन वापस अपने आंगन जरूर जाएंगे। पल्लवी यहां ज्यादा दिन रुकेगी तो उसे घर की गिरवी होने का सच पता चली जाएगा। ये अच्छा ही है कि वो अपने ससुराल में ही रहे। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पल्लवी यहां ज्यादा दिन रुके। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।